Hello everyone. So guys, in this class we are going to solve passage based question and our topic is law of contract. So what we are going to do, like we will first read passages, okay? And I will explain passage, then we will do questions. Okay, that is how we are going to cover everything. Chaliye, first passage, that is on your screen. Rohan was a naughty 16-year-old boy. He had been living with his uncle since his parents died. ठीक है, देखिए इसमें रोहन की जो एज है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है? मतलब जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप सर्किल कर लो या कुछ अंडरलाइन कर लो तो काफ़ी इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना. रोहन वॉज ए यंग बट इज बिल्ड मेड हिम अपीयर मच ओल्डर. ठीक है, रोहन वुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑन सेवरल ओकेजन्स. ही सॉ एन एडवर्टीजमेंट फॉर ए न्यू टेलीविज़न वन डे वाइल वॉचिंग टीवी. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम बट इज अंकल रिफ्यूज्ड. ही क्लासीफाइड इट एज अ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. रोहन डिवाइज अ स्ट्रेटेजी टू बाई द टेलीविज़न. ही गैदर्ड ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन हिज रूम एंड मेड एन इन्वेंट्री बिफोर बिगनिंग टू लुक फॉर बायर्स ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक्स. कि मतलब अपने घर का सामान ही उसने इकट्ठा कर लिया और उसको बेचने के लिए स्टार्ट हो गया. मतलब स्टेज वो उसने स्टार्ट कर दी. मिस्टर श्री द पर्सन हु ऑथराइजेज द परचेज वर्क फॉर ए स्मॉल कंपनी कॉल्ड यू ट्राई बी बाई. रोहन डिसाइडेड टू डील विद मिस्टर श्री द नेक्स्ट डे एंड अप्रोच्ड हिम. रोहन डिवाइज्ड अ प्लान इन विच ही कुड ही वुड सेल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसीव एन एडवांस ऑन द रेस्ट विच ही यूज टू परचेज द टेलीविज़न. मतलब टेलीविज़न लेना ही लेना था. मतलब आप देख रहे हो ना इस तरीके के पैसेजेस. ही हैड नो इंटेंशन ऑफ सप्लाइंग YTW/U-TRY-B विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. मिस्टर श्री वॉज अप्रोच बाई रोहन हु प्रिटेंडेड टू बी 22 years old कॉलेज स्टूडेंट. ठीक है, मतलब जो रोहन की एज है उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया अपनी एज का. दैट वॉज लाइक ही टोल्ड दैट ही वॉज 22 years old कॉलेज स्टूडेंट लुकिंग टू गेट रिड ऑफ हिज इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर मूविंग आउट ऑफ हिज हॉस्टल. बट जो उसकी रियल एज है दैट इज 16 years. मिस्टर श्री फेल फॉर द रूज एंड एंडेड अप गिविंग रोहन अ लार्ज एडवांस. फॉलोइंग दैट रोहन परचेज द टेलीविज़न एंड बिगेन अवॉइडिंग ऑल कॉल्स नोटिस फ्रॉम YTW/B. फाइनली YTW/B दैट इज U-TRY-B सूड रोहन टू ऑब्टेन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. रोहन क्लेम्ड ही वॉज अ माइनर एंड दस द एग्रीमेंट बिटवीन द U-TRY-B वॉज नल एंड वॉइड. वाइल U-TRY-B क्लेम्ड रोहन मिस रिप्रेजेंटेड इज एज एंड वॉज दस लाइबल. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो. आई एम गिविंग यू 30 more seconds टू रीड. रीड करो अपने से. चलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. कीपिंग इन द माइंड द फॉलोइंग. फर्स्ट इज प्रिंसिपल 1. सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट disqualified from the contracted by any law
टू विच ही सब्जेक्ट। सेकेंड प्रिंसिपल है जो कि आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, देयर कैन बी नो रेटिफिकेशन ऑफ अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। एंड द थर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा इस क्वेश्चन, जो आपके अपकमिंग क्वेश्चन हैं, इफ़ अ माइनर ऑब्टेन अ प्रॉपर्टी और गुड्स बाई मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज, ही कैन बी कंपेल्ड टू रिस्टोर इट एज लॉन्ग एज द सेम इज ट्रेसिबल इन हिज पोजेशन, इफ दैट इज नॉट द केस और ही हैज ऑब्टेन्ड द कैश कन्वर्टेड द गुड्स फॉर द सेम, द माइनर कैन नॉट बी सो कंपेल्ड, दिस इज़ अ ड्यूटी अराइजिंग फ्रॉम द इक्विटेबल प्रिंसिपल। एंड लास्ट प्रिंसिपल जो कि आपको सॉल्व करना है, इफ़ द माइनर सीक्स द हेल्प ऑफ द कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट हैज़ पावर टू रिक्वायर द माइनर टू रिस्टोर ऑल बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम हर अंडर सच एन एग्रीमेंट, ठीक है। चारों प्रिंसिपल एक बार आप रीड कर लो, और जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, आपको इमोशनल नहीं होना है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इज, डिड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन द रोहन एंड यू ट्राई बी बाय? फर्स्ट ऑप्शन इज नो, सिंस अ रोहन वॉज अ माइनर एंड दस डिड नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज यस, एज रोहन मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज एंड दस इज नाउ स्टॉप्ड फ्रॉम असर्टिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग। थर्ड इज नो, सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल्स आर नॉट फुलफिल्ड हेयर। एंड द लास्ट ऑप्शन है यस, एज द रोहन रिपीटेडली मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज एंड वॉज ड्यूपिंग पीपल एंड दिस टाइम ही ऑट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। बताइए क्या होगा इसका आंसर, यूज कमेंट बॉक्स एंड ट्राई टू आंसर क्विकली। प्रिंसिपल आप देखिए एक बार, मैं फिर से आपको प्रिंसिपल दिखाता हूँ, देखिए प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, ठीक है, रोहन की जो रोहन वॉज अ माइनर, उसकी एज है 16 ईयर्स, दस डिड नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो प्रिंसिपल दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कैन वाई टी डब्ल्यू बी यू ट्राई बी बाई रिक्वायर्स रोहन टू सप्लाई द प्रॉमिस गुड्स टू वाई टी डब्ल्यू बाई यूजिंग इक्विटेबल प्रिंसिपल्स? देखिए इक्विटेबल प्रिंसिपल्स का मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंसिपल नंबर थ्री रीड करिए एक बार, दैट इज डीलिंग विद इक्विटेबल प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज यस, एज देयर विल बी इक्विटेबल रेमेडी दैट वाई टी डब्ल्यू बी इज इंटाइटल्ड। सेकेंड इज नो, एज द होल नो, एज दैट वुड बी द लाइक इन्फोर्सिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज यस, देयर एग्जिस्टेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई टी डब्ल्यू बी हैड परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। एंड द लास्ट इज नो, एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट फॉर रोहन बेनिफिट। राइट आंसर इज बी, ठीक है, कि आप भाई जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे इन्फोर्स कर सकते हो, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आएंगे, एक बार रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इवन आफ्टर बीइंग टेकन टू कोर्ट डज नॉट सीज हिज डीलिंग विद नेव शॉपकीपर्स। वन सच शॉपकीपर सूर्या
allows Rohan to purchase an expensive watch and enters an agreement which requires Rohan to pay for the watch on the first Saturday of the next month. Rohan loves the watch and thus he keeps it, but does not make the payment. Surya sues him. Does Surya have remedy against the Rohan? First is, he has no remedy as there existed no legal binding contract between the Surya and the Rohan since Rohan is a minor. Second is, he has a remedy in equitable principle and can ask Rohan to return the watch which is in his possession. Third option is, he has remedy in equitable principle and can ask Rohan to tender the remaining advances to Surya. He has no remedy against the Rohan, as the equitable principle only exists when there is a legally binding option, a binding obligation in place. बताइए क्या आंसर होगा? Right answer is B. He has remedy in equitable principles and can ask Rohan to return his watch, जो कि प्रिंसिपल नंबर 3 है, आपने देखा होगा इधर. ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 3 दैट इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वन फाइन संडे रोहन डिसाइडेड टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग ऑफ हिज अंकल्स स्कूटर. ही एडवर्टाइजेज द सेम पॉइजिंग एज अ मेजर and the interested customer arrives. On taking a test drive, the customer likes the scooter. Rohan states that the scooter can only be sold to someone willing to pay in 2 installments, one to be paid in advance and one after delivery. The customer agrees. Rohan takes a rupees 2 lakh as an advance, with the remaining 1 lakh to be paid after delivery. After obtaining the money, Rohan approaches the court to cancel his contract and pleads minor होगा यहाँ पे. ठीक है, what is the likely outcome of this case? As the Rohan was minor when the contract was entered, it will be cancelled and will be permitted to retain scooter of the advance. Second is, the Rohan was minor when the contract was entered, it will be cancelled and he will be permitted to retain the scooter but will require to return the advance. Third option is, though the Rohan was minor when the contract was entered, the contract entered here was valid and thus Rohan cannot get same cancelled. And the last option is, as Rohan was minor when the contract was entered, the court will rule in equity to let Rohan keep advance. बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से, यूज कमेंट बॉक्स. राइट आंसर इज बी. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पे. रोहन एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद सुंदरलाल फॉर द सप्लाई ऑफ न्यू फुटबॉल्स ऑन ए क्वार्टरली बेसिस फॉर विच द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर. सब्सिक्वेंटली रोहन टर्न्स 18 ईयर ओल्ड एंड सुंदरलाल आस्क्स रोहन टू रेक्टिफाई द एग्रीमेंट व्हाइल ही एग्रीज टू डू. हाउएवर Rohan refuses to pay even after such ratification. Can Sundarlal sue for breach of the rectified agreement? First is, there existed no valid agreement between Rohan and Sundarlal when Rohan was a minor, but now since he has become a major, the agreement has become valid. Sundarlal can sue him for breach. Second is, the agreement between Rohan and the Sundarlal was for Rohan's benefit and was thus valid and can be enforced. The Sundarlal and can thus sue Rohan for its breach. Rohan agreement with Sundarlal was entered into the Rohan was a minor and was thus void, and such an agreement cannot be rectified.
Sundarlal cannot sue for the breach, and the last is Sundarlal can ask for the football back. बताइए, राइट आंसर इज सी. ठीक है, सी. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? देखिए, इसमें ध्यान रखेंगे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इसमें आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं. नेक्स्ट पैसेज है, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट इज गिवन इन सेक्शन 13 विच स्टेट्स दैट इट इज व्हेन टू और मोर पर्सन एग्रीज अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस. सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स फ्री कॉन्सेंट. ठीक है, देखिए 14 क्या कहती है, फ्री कॉन्सेंट. कॉन्टेंट कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एन कोअर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15 और अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17 एंड मिस रिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 18 एंड फिफ्थ इज योर मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22. ठीक है, ये चीज़ डिफाइन है. अब देखिए डिटेल में क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोअर्जन. अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, अपकमिंग क्वेश्चंस. कोअर्जन मीन्स यूजिंग अ फोर्स टू कंपेल अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो फोर्स और थ्रेट्स आर यूज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द पार्टी अंडर कोअर्जन. इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट. नाउ द इफेक्ट ऑफ कोअर्जन इज दैट इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. दिस मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री. सो द एग्रीवेटेड पार्टी विल डिसाइड वेदर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज, वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. वेन द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी. अब देखिए इसमें जो ये वर्ड है डोमिनेट वगैरह, इसको आप सर्किल कर लो. डोमिनेट द अदर पार्टी एंड यूजेज सच इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टी. इट विल बी अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट इज फ्रॉड. वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड मीन्स डेसिट बाई वन ऑफ द पार्टीज वेन वन ऑफ द पार्टीज डेलिब्रेटली मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट. सो द मिस रिप्रेजेंटेशन इज डन विद द फुल नॉलेज देन दैट इट इज नॉट ट्रू और रेकलेसली विदाउट चेकिंग फॉर द ट्रूनेस. दिस इज सेट टू बी अ फ्रॉडलैंड. इट इज एब्सोल्युटली इम्पेयर्स फ्री कंसेंट. वन फैक्टर इज कंसिडर्ड इज दैट द एग्रीवेटेड पार्टी शुड सफर फ्रॉम सम एक्चुअल लॉस ड्यू टू द फ्रॉड एंड सेकेंड इज देयर इज नो फ्रॉड विदाउट डैमेजेस. ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी फैक्ट नॉट एन ओपिनियन एंड द लास्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेन ए पार्टी मेक्स रिप्रेजेंटेशन दैट इज फॉल्स inaccurate, incorrect. The difference here is the misrepresentation is innocent, not intentional. The party making the statement believe it to be true. ठीक है, तो ये concept आपको ध्यान रखना है question solve करते वक्त. अब चलिए first question है जो कि हम लोग solve करने जा रहे हैं. राजीव एंड रमेश आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बिजनेस पार्टनर्स एंड द लेटर हैड बीन लुकिंग जो रमेश है इज लुकिंग टू परचेज अ हाउस. राजीव ओन टू हाउस इन द सिटी एंड वन ऑफ देम हैड नॉट बीन ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम. रमेश आज राजीव इफ ही कुड सेल द हाउस टू हिम फॉर 5 lakh. हाउएवर द राजीव हैड सेट द परचेजिंग प्राइस एज 20 lakh रुपीज. रमेश डज नॉट वॉन्ट टू पे मोर देन 5 lakh rupees. सो ही सेज दैट
He does not sell the house to him at his price. He will leak some secret business documents to the press. As the Rajiv apprehend defamation due to this, he signs the contract papers quickly and sell it to Ramesh. Is this a valid contract or kis type ka contract hai? Main fir aapko ye sare sections dikha de raha hu, ek bar dekh lo. Ye sare concepts use honge aapke questions mein. ठीक है, चलिए. तो फर्स्ट इज यस एज राजीव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ फुल नॉलेज ऑफ द इवेंट एंड द कंडीशन. नो एज द रमेश कोअर्स्ड राजीव इनटू एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड इज यस द राजीव डिड एंड अप सेलिंग हिज हाउस एट ए फेयर प्राइस. एंड द लास्ट इज नो, राजीव वॉज ए विक्टिम ऑफ ए फ्रॉड एट द हैंड ऑफ रमेश. बताइए भाई क्या होगा. राइट आंसर इज बी, कोअर्जन हो रहा है इसमें. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. गिरीश अ स्कूल टीचर कॉल्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट राज टू हिज ऑफिस इन ऑर्डर टू गिव हिम हिज टेस्ट रिपोर्ट. ही इन्फॉर्म्ड राज दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट. हाउएवर ही कुड रिकंसीडर हिज ग्रेड्स If Raj sold his gold watch for rupees 500, is this a contract of sale between the Girish and Raj is valid? Bataiye. No, not at all. That is the undue influence. ठीक है, B will be the right answer. चलिए next. Third, Arko, the owner of the farm, brought a horse from Biswajit. Biswajit had in order to get rid of his horse claimed that the horse could be used on the farm. However, it turned out that the horse was lame and Arko could not use him on his farm. As a result, he ran losses for a month. Is Biswajit said to have committed a fraud? Bataiye. Yes. Biswajit deliberately misrepresented the information to Arka knowing it to be false. ठीक है, समझ रहे हो ना भाई. पहले से पता था बिस्वाजी को सब कुछ, बट उसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी. अब देखिए इसी में ही एक और क्वेश्चन है पुरानी वाली स्टेटमेंट पे ही, बट इसमें कुछ फैक्ट चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. कंसिडर्ड इन ए फैक्चुअल सिनेरियो प्रेजेंटिंग इन द अबव क्वेश्चन, हैड बिस्वाजीत told Arka about his horse was better than Chitra's horse, another person whose horse Arka had seen earlier, but it turned out not to be so, can he be said to have committed a fraud? Bataiye. Right answer is B. No, as this was not a statement of a opinion. ठीक है, that was a opinion, that was not a real thing, you can say so. ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया है. अब देखिए पुराने वाले क्वेश्चन में और नए वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है. पुराने वाला माइंडसेट लेके चलोगे तो फिर पक्का गलत करोगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ, अरिजीत इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू एन एस्टेट एट द डेथ ऑफ भूषण. भूषण डाइज, चंपा हैविंग रिसीव्ड इंटेलिजेंस ऑफ द भूषण्स डेथ prevent the intelligence reaching the Arjit and thus induces Arjit to sell him interest in his in the state. Is such a valid contract? First is yes, since Arjit was not aware of the Bhushan's death, he was not entitled to succeed. Second is no, as the Champa misrepresented to the Arjit's order to purchase his interest in the state. Yes, as the Arjit should have inquired about the selling his interest to Champa. And the last is no, as Champa exercised the undue influence in order to purchase Arjit's interest in the estate. क्या आंसर होगा? Use comment box. Right answer is B. ठीक है, B. चलिए next.
अब देखिए वो लीगल प्रिंसिपल से क्वेश्चन करेंगे, एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन इज वॉइड इन लॉ. अब फैक्ट देखिए, गगन एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद निखिल टू मर्डर हिज वाइफ, ठीक है, मर्डर हिज वाइफ प्रीति फॉर ए सम ऑफ रुपीज 5 लाख. गगन एग्रीज टू पे द अमाउंट टू निखिल इन रिटर्न ऑफ द मर्डर. इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बताओ भाई, मर्डर वर्डर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना. जो भी अनलॉफुल चीज़ें होती हैं दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अनलॉफुल चीज़ें, अनलॉफुल थिंग्स आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट इज लीगल प्रिंसिपल. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम बिकम्स इम्पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस. फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, रवि ऑफर टू बाई द हॉर्स ऑफ अर्जुन एट ए फॉर पीस ऑफ रुपीज 10 लाख. अर्जुन नॉट नोइंग दैट द हॉर्स इज ऑलरेडी डेड एग्रीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. लेटर द ट्रूथ अबाउट द डेथ ऑफ द हॉर्स इज डिस्कवर्ड. इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉर मनी मस्ट बी पेड फॉर द हॉर्स. सेकेंड इज द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम इज इम्पॉसिबल, ठीक है. तो राइट आंसर इसका बी होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है हॉर्स की. फाइन. सो गाइज, एवरी डे मेरी बहुत सारी स्पेशल एंड प्लस क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है. कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन कम टू माय लाइव क्लासेस एंड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग. फाइन. And you can also subscribe it using my code, that is MYASH. Okay? Let's wind it up. Thank you so much, guys. Bye-bye. Take care.